2.4.2 क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? क्रियाकलाप 8। एक शुष्क परख नली में लगभग 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लीजिए। इसमें 1-2 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल परख नली की दीवार की सहायता से डालिए। क्या परख नली से कोई गैस बाहर निकलती है? अब परख नली के मुंह के समीप शुष्क नीला लिटमस पेपर ले जाइए। क्या नीले लिटमस पेपर का रंग बदला? अब परख नली के मुंह के समीप गीला नीला लिटमस पेपर ले जाइए। क्या अब नीले लिटमस पेपर का रंग बदला? शिक्षकों के लिए निर्देश, यदि हवा में नमी हो तब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के परीक्षण से पहले उसे अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड से भरी नली में प्रवाहित कर शुष्क कर लें। उपरोक्त अवलोकन से यह पता चलता है कि HCl केवल पानी की उपस्थिति में ही अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि पानी के संपर्क में ही यह अपने हाइड्रोजन परमाणु को H+ आयन के रूप में अलग करता है। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो पानी के संपर्क में आकर OH- आयन हाइड्रोक्साइड देते हैं। ये क्षार कहलाते हैं, जैसे NH4OH, NaOH आदि। कोई भी अम्ल या क्षार कितना प्रबल या दुर्बल है, यह उसके आयनन की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रबल अम्ल तथा क्षार के अणु पूर्णतः आयनित होते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल तथा क्षार के अणु आंशिक रूप से आयनित होते हैं। अर्थात दुर्बल अम्ल या क्षार के विलयन में उनके कुछ ही अणु आयनित होते हैं, ज्यादातर अणु अनआयनित रहते हैं।